अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाई कोर्ट के बाहर और यहां दुआ केस की सुनवाई हो रही है, हियरिंग हो रही है और अब हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूं कि यहां हियरिंग हुई क्या है। यहां हम बात करने वाले हैं उनके वालिद से और अब तक जो है वो इतलात ये हैं कि दुआ यहां नहीं लाई गई हैं और आईओ को ऑर्डर दिया गया था कि दुआ को यहां जल्द से लाया जाए, लेकिन दुआ यहां मौजूद नहीं है और समाअत हो चुकी है। अब इनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं और मैं कुछ ही देर में इनके वालिद से बात करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं दुआ के फादर के साथ मौजूद हूँ और इनसे बात करने जा रही हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे बताएं हियरिंग हो चुकी है, क्या फैसला आया है? जज साहब ने पुलिस को पाबंद किया है कि 24 तारीख को बच्ची को यहाँ पे लेके आए। आज जज साहब ने जब पूछा कि बच्ची कहाँ है तो पुलिस के पास इसका जवाब नहीं था, उन्होंने कहा कि हमें बच्ची नहीं मिली। तो जज साहब ने इस पर काफ़ी सख्ती से नोटिस लिया है और उन्हें कहा है कि एसएसपी साहब जो हैं उनको नोटिस इशू किया जाएगा अगर वो 24 तारीख को बच्ची को पेश नहीं करेंगे। ठीक है, इस दौरान कोई रابطہ हुआ है जहीर की फैमिली की जानिब से? मालूम ये पड़ा है मुझे कल कि जहीर जो है अपनी फैमिली समेत गायब है। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे साथ तो कोई रابطہ नहीं है। जब से गई है बच्ची मेरे साथ कोई रابطہ नहीं, जैसे मैं आपको पहले बोलता रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी तशवीश यही है कि देखिए बच्ची की वीडियो वो बनाते हैं, उनका लिंक किसी ना किसी जरिए से मीडिया तक है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस उस सोर्स को क्यों नहीं निकाल पा रही कि बच्ची का कि वीडियोस मीडिया तक जा रही हैं, बच्ची के वेयर अबाउट्स कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो पाए जाते होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक बच्ची ट्रेस नहीं हुई। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि काफ़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरे लिए सबसे तशवीशनाक बात यह है कि बच्ची का अभी तक पता नहीं चला। ठीक है, पंजाब पुलिस आपके साथ तावुन में है जिस तरह होना चाहिए था, यहाँ की पुलिस भी बहुत एक्शन में है। आपने बताया आयु साहब आज लेके आने वाले थे, तो पंजाब पुलिस का भी वैसी तावुन है आप लोगों के साथ? देखिए, पंजाब पुलिस बेसिकली तावुन कर रही है सिंध पुलिस के साथ, पंजाब पुलिस मेरे साथ डायरेक्ट नहीं है। अब ये तो सिंध पुलिस आके बता सकती है कि उनके साथ किस हद तक तावुन हो रहा है। जो मुझे बज़ाहिर पता चला है पंजाब पुलिस तावुन कर रही है। जी, इसके अलावा कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है अब तक कि दुआ की कोई भी लिंक मिल सके कि वो कहाँ जा सकती है? जहीर के ख़ानदान वाले भी होंगे डेफिनेटली, फैमिली वाले, उनको कोई आइडिया होगा कि जहीर कहाँ लेके जा सकता है पूरी फैमिली को? देखिए, उनमें से सुनने में आया कि कुछ लोग पकड़े भी गए हैं फैमिली मेम्बर्स में से, लेकिन अब जाहिर है पुलिस इंटेरोगेट करेगी तो कुछ शायद लिंक निकल आए। तशवीश की बात यह है कि मेरी बेटी और जहीर और कुछ उनके जो फैमिली के हैं वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा। आई होप के जो नेक्स्ट हियरिंग है पुलिस बच्ची को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है सर, मुझे एक लास्ट सवाल का जवाब दे दें। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है कुछ लोग मौजूद थे जहाँ पे जहीर का कज़न भी मौजूद था, ये क्या माजरा था, ये नाज़रीन को बताइए। देखें, हमें ये पता चला था कि उस पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो असगर अली जो पकड़ा गया है ये अंदर था। जी, ऐसे ही है। और ये सब लोग अंदर मौजूद थे जो हमें इंफॉर्मेशन आई। 3 दिन तक पुलिस कोशिश करती रही कि पुलिस अंदर उनको जाए और बाजियाब करा सके, लेकिन वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे कर्नल साहब जो थे वो उन्होंने परमिशन नहीं दी। और जी, और उसके बाद जब वहाँ से जो गिरफ्तारी हुई वो सिर्फ एक थी, बाकी सब आगे पीछे हो गए। तो आपको लगता है इस केस के पीछे या जहीर के पीछे कोई ऐसा हाथ है जो जहीर को आगे जो है वो आने नहीं दे रहा, उनको बैकअप कर रहा है? 100% ऐसे ही है। अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताएंगे कि कौन हो सकता है? अब तक आपको कोई क्लू मिला हो, कोई लिंक मिला हो? देखिए, अभी तक क्लू नहीं मिला, अगर मिला होता तो मैं मीडिया को ज़रूर बताता। पुलिस जो इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो मुझसे ज़्यादा बेटर इस चीज़ के ऊपर बता सकते हैं कि उनको, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बहुत सारी चीज़ें वो भी मुझ तक नहीं बताते, उनकी सीक्रेसी होती है ताकि ऑपरेशन ख़राब ना हो। तो हम पूरा ये समझ रहे हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है बड़ा, और अब तो उसके जो लिंक्स हैं वो भी मिलना शुरू हो गए हैं। जैसे मैं शुरू पहले दिन से कह रहा था कि कोई माफिया है, गैंग है, अब उसके वेयर अबाउट्स आने शुरू हो गए हैं और पुलिस भी अब इस सिलसिले से काम कर रही है। अब देखिए, मैं सबसे दुआ करता हूँ कि मेरी बच्ची के लिए दुआ करें ताकि वो मिल जाए।
बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, थैंक यू। तो मेरे साथ मौजूद थे दुआ के वालिद, आपने इनकी बात सुनी। दुआ को यहाँ नहीं लाया गया और आयु को एक बार फिर ऑर्डर दिया गया है। पंजाब पुलिस को सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि दुआ को जल्द अज जल्द यहाँ पर लाएँ। और उनके वालिद जो थे वो बहुत उदास थे, उनकी उदासी जो है वो उनकी आँखों से आप लोग पहचान सकते हैं। और मैं दोबारा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सकता है दुआ के लिए जो है वो अपनी दुआ को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि दुआ जल्द अज जल्द अपने पेरेंट्स से आ मिले। एक बार फिर जो है वो सुनवाई मौखर कर दी गई और 24 मई को एक बार फिर सुनवाई होगी। और इंस्ट्रक्शन ये है कि दुआ को यहाँ लाया जाएगा। तो देखते हैं 24 मई को एक बार फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे हाई कोर्ट से, और हम उम्मीद करते हैं कि दुआ उस दिन हमारे साथ होंगी और हम आपको दुआ के साथ ज्वाइन करेंगे। तो आप देखते रहिए, तब तक के लिए वॉइस ऑफ नेशन अपनी होस्ट महक सर को तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।